अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का क्रांति कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन समारोह 22 सितंबर को कानपुर में होगा आयोजित। इस सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य बातों पर भी विचार किया जाएगा। वहीं वैश्य वर्गों को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने से संबंधित लंबित पड़ी पत्रावली के बारे में प्रदेश सरकार से इस तरफ ध्यान देने की बात उठाई जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध लगाने की बात भी सम्मेलन के दौरान कही जाएगी। उक्त बातें अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने होटल ग्रीन पार्क में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर दिन रविवार को कानपुर के साकेत नगर स्थित होटल मंदाकिनी में होने वाले प्रांतीय वैश्य व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन के लिए व्यापारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस वैश्य व्यापारी सम्मेलन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषय पर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, राज्यसभा, विधान परिषद में शिक्षकों और सामाजिक लोगों के लिए सीट आरक्षित है, उसी प्रकार व्यापारियों के लिए सीट आरक्षित की जाए। इसके साथ नगर निगम से लेकर अन्य निगमों को भी कारोबारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। सुमंत गुप्ता ने कहा कि लव मैरिज में लड़का लड़की पक्ष के हस्ताक्षर किए जाने का प्रावधान किया जाए, इसकी अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान स्मारिका का विमोचन होगा, जिसमें समाज के 400 लोगों से अधिक युवक युवतियों का परिचय विवरण दिया जाएगा। आर्थिक प्रस्ताव भी पारित करने का, राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव प्रमुख रूप से लिए जाएंगे। हम लोगों की प्रमुख 22 सितंबर को अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का प्रांतीय सम्मेलन, सीटें आरक्षित हैं, उसी तर्ज पर व्यापारी समाज को भी, जो विभिन्न प्रकार से अध्यापकों के लिए सीटें आरक्षित हैं, स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित हैं, उसी तर्ज पर सरकार के खजाने में राजस्व देने वाले व्यापारी समाज के लिए भी, जो एक्साइज देते हैं, जो GST देते हैं, आयकर देते हैं, उनके लिए भी सीटें आरक्षित की जानी चाहिए, जिससे उसका लाभ उन लोगों को मिल सके और हमारी आवाज भी, हमारी जो समस्याएं हैं वो विधान परिषद में पुरजोर ढंग से रखी जा सके। इसी तर्ज पर हम लोगों ने यह भी मांग की है, क्योंकि वैश्य एकता परिषद लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तन मन धन से करता रहा है, हमारी मांग है कि आने वाले समय में जो सरकारी निगमों, अर्ध सरकारी निगमों में नामित किए जाने हैं, उसमें वह समाज के बंधुओं को भी प्राथमिकता के आधार पर नामित किए जाए, जिससे उनकी आवाज उठ सके। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय और भी हम लोग लेने वाले हैं, खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ता चला जा रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं पूरे फुटकर व्यवसाय पर, जो ऑनलाइन हो रहा है, उस पर एक प्रकार से कब्जा होता चला जा रहा है। फुटकर जो व्यवसाय है वो बुरी तरह प्रभावित होता है, चाहे कोरोना का काल हो या अभी कांवड़ यात्रा निकली, उन सब में सहयोग करने वाला कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन बड़ी कंपनियां नहीं थी, बड़ी विदेशी कंपनियां नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे मध्यम मझोले स्तर के दुकानदारों ने, व्यापारियों ने कांवड़ यात्रियों की आवभगत की स्वागत किया। तो हमारी भी सरकार से मांग है कि जो बड़ी विदेशी कंपनियां फुटकर बाजार में आ गई हैं, उस पर GST जो माल मंगाया जाए उस पर GST 28% लगा देनी चाहिए, जिससे कि ये फुटकर व्यवसाय हमारा बच सके, तो बाजारों की रौनक रह सके, सुरक्षित रह सके। इन सभी मांगों को लेकर हम 22 सितंबर को कानपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।